हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए, ये है आपका शानदार सा चैनल रैंकर्स कैंपस और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। आज लेकर हम आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो विलियन चैप्टर से है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, वाष्प दाब में क्या होता है जब। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो कहता है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि वाष्प दाब क्या होता है। तो देखिए, वाष्प दाब क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठों के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में, कौन से अवस्था में, साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम वाष्पशील विलय को विलयन में मिलाते हैं, जब हम वाष्पशील विलय को विलयन में मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या होता है, वृद्धि होता है, उसके वाष्प दाब में वृद्धि हो जाता है। फिर कहता है कि क्या होगा जब अवाष्पशील विलयन को अवाष्पशील विलय को विलयन में मिलाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अवाष्पशील विलय को विलयन में मिलाने पर वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा चाय पत्ती, जैसे चाय खोल रहा होगा, चाय पत्ती डालिए, क्या हो जाता है, एकाएक बैठ जाता है, यानी क्या कह सकते हैं, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है। फिर क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है और हिमांक में अवनमन हो जाता है, हिमांक में भी क्या होता है, कमी आ जाता है। तो ऐसा ये बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसा जवाब लिखने पर पूरा मार्क्स आएगा। हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज का क्लास चलता है। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।